सवाल नंबर पहले का चौथा पार्ट, सवाल नंबर पहले का चौथा पार्ट है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच देट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर। देखो ये लिखा गया है कि पूर्णांकों का समुच्चय जेड उसमें दे रखा है। पूर्णांकों में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही प्रकार की संख्याएं आती हैं और शून्य भी आता है बीच में। ऐसी शुरुआत किया गया है डॉट 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 माइनस चार माइनस तीन, इससे पहले भी लिख सकते हैं माइनस चार माइनस तीन माइनस दो माइनस एक फिर जीरो, ऐसे ही बढ़ते क्रम एक दो तीन चार ऐसे करके। ये पूर्णांक, पूर्णांकों में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों ही आते हैं और शून्य भी आता है पूर्णांकों में। फिर कह रहा है इनमें जो संबंध है वो इस प्रकार है आर बराबर एक्स वाई सच देट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तब सबसे पहले आर एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि सुतुल्य का मतलब उसी संख्या एक्स माइनस वाई का मतलब उसी संख्या में से उसी संख्या को घटाएं तो एक पूर्णांक आना चाहिए। तो माइनस चार माइनस माइनस चार इस माइनस माइनस चार में से माइनस चार को घटाएंगे तो इस माइनस की वजह से ये चिन्ह प्लस का होगा। तो माइनस चार प्लस चार बराबर जीरो, जो कि एक पूर्णांक है जिसमें दिखाया गया है पूर्णांक है। तो ये सुतुल्य संबंध हुआ, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तो वाई माइनस एक्स, यानी इसको वाई माइनस एक्स यानी इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वाई भी एक पूर्णांक होगा। यानी कहने का मतलब ये एक धन पूर्णांक है तो माइनस चिन्ह आने के कारण ये भी ऋण पूर्णांक होगा, होगा तो पूर्णांक ही ऋण या धन, ये एक्स माइनस वाई एक ऋण पूर्णांक है तो ये वो धन पूर्णांक है तो ये ऋण पूर्णांक है तो पूर्णांक ही। तो अर्थात एक्स माइनस वाई बिलोंग टू आर तो वाई माइनस एक्स बिलोंग टू आर, इस कारण आर एक सममित संबंध है। ठीक, अब देखते हैं सा तीसरा, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसी प्रकार वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, तब एक्स माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं जब एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तो वाई माइनस जेड भी होगा, तो वाई माइनस जेड भी होगा तो एक्स माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। अर्थात इसी चीज को लिखा गया है कि एक्स माइनस वाई बिलोंग टू आर वाई माइनस जेड बिलोंग टू आर तब एक्स माइनस जेड बिलोंग टू आर, इस कारण आर एक संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, ये है तुम्हारा मोना, इस कारण आर एक संक्रमक संबंध है। तो तीनों संबंध आ गए, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रमक संबंध। अगला सवाल पांचवा, इसी का पांचवा खंड, पांचवा खंड कहता है इस प्रश्न में किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। कैसा है? आर बराबर एक्स वाई सच देट यानी इस प्रकार एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये लिखा गया है कि आर बराबर किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय और एक और आर बराबर एक्स वाई सच देट, ये सच देट का चिन्ह है अथवा सच देट या इस प्रकार एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर एक, क्योंकि एक्स तथा वाई किसी विशेष स्थान पर कार्य करते हैं, यानी क्योंकि x और y
किसी विशेष स्थान पर कार्य करते हैं, अर्थात एक्स एक्स के स्थान पर काम करता है और वाई वाई के स्थान पर, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात एक्स तथा वाई, कैसे लिख लो, एक्स तथा वाई अपने कोष्टक में लिख देते हैं स्वयं के स्थान पर कार्य करते हैं, तब एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर या बाई कॉमा बाई बिलोंग टू आर, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई किसी विशेष स्थान पर कार्य करते हैं, अर्थात एक्स और वाई अपने एंड स्वयं के स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स एक्स और वाई अपने यानी स्वयं के स्थान पर कार्य करते हैं, तब लिख सकते हैं एक्स एक्स बिलोंग टू आर और वाई वाई बिलोंग टू आर, तब आर एक स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध होगा, संबंध होगा आर एक, तब आर एक स्वतुल्य संबंध होगा, यानी क्योंकि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य यानी किसी विशेष स्थान पर कार्य करते हैं, यानी एक्स और वाई यानी अपने स्वयं के स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स एक्स बिलोंग टू आर और वाई वाई बिलोंग टू आर, ये लिखा गया है, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध, ठीक। दूसरा एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम कह सकते हैं सकते हैं कि वाई तथा एक्स भी उसी स्थान पर कार्य करते हैं, उसी स्थान पर कार्य करते हैं, अर्थात जब एक्स और वाई किसी विशेष स्थान पर कार्य करते हैं तो इनके यानी कहने का मतलब उनके स्थान निश्चित हैं, तो एक्स और वाई जिस स्थान पर कार्य करते हैं तो उस स्थान पर हम कह सकते हैं वाई और एक्स भी कार्य करते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग टू यानी अव्यवहार तथा वाई कोमा एक्स बिलोंग टू आर, इसलिए आर एक सममित संबंध है, संबंध है। तीसरा आता है जब एक्स जब एक्स कोमा वाई अव्यवहार यानी एक्स कोमा वाई किसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं और उसी स्थान पर वाई तथा जेड भी कार्य कर रहे हैं, तब एक्स कोमा जेड भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे, ठीक है,
इसलिए इस कारण आर एक संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध होगा। यह हमारा तीन हो गए, एक स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध, तीनों प्रकार के संबंध इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। अब देखो इस तरीके से दे रखा है कि R बराबर x बाई सच दैट x बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक कंडीशन जो वो किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है, ये कंडीशन तो सब में लागू है, ए बी सी डी सब में। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले इसमें दिखाएंगे तीनों चीज देखनी है, स्वतुल्य संबंध, संक्रमक संबंध और सममित संबंध, तीनों ही संबंधों को इसमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो क्योंकि यानी x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी x बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। x बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तब x स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यानी x बाई से 7 सेंटीमीटर, बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वो x स्वयं से अगर देखा जाए तो स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, स्वयं से नहीं है, तो इस ऐसा संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य संबंध, लंबा नहीं हो सकता। इस कारण संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि x बाई 7 सेंटीमीटर लंबा है तब x स्वयं में 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ये बात जो है बताइए वो लिख दी गई है। इस प्रकार इसको ऐसे लिख देंगे, प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार संबंध R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरी कंडीशन देखेंगे, x क्योंकि क्योंकि x बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, x बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तब हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि क्योंकि x बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो हम कह सकते हैं कि बाई x से 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर छोटा है, सीधी सी बात है,
ये इससे 60 सेंटीमीटर लंबा है तो ये इससे 60 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। अर्थात एक्स कोमा वाई अवयव आर यानी बिलोंग टू आर, परंतु वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, ऐसे लिखेंगे। तो आर कैसा है, आर सममित संबंध नहीं है, इसलिए इस कारण आर एक सममित संबंध, सममित संबंध नहीं है। अगर दोनों कंडीशन एक का मतलब एक ही होता तो हम सममित संबंध कह सकते थे, इसलिए अब इसको सममित संबंध नहीं कहेंगे। तो ये न तो स्वतुल्य है न सममित संबंध है। तीसरी कंडीशन, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा है यदि वाई जेड से, यदि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तब तब यह नहीं कह सकते, नहीं कहा जा सकता, जा सकता है कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। यानी अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और यदि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तब यह नहीं कहा जा सकता कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, ये कोई ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये कंडीशन संक्रमक की कंडीशन नहीं हो सकती, इसलिए इस कारण यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात एक्स कोमा वाई अवयव आर, वाई कोमा जेड अवयव आर, तब एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, इस कारण आर एक संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध संबंध भी नहीं है, नहीं माना संक्रमक तीनों में से कोई भी नहीं है, ठीक। तो अब पांचवे का चौथा खंड, एक कंडीशन तो सबके लिए एक ही है, पांचवे के पांच खंड हैं, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय इस प्रकार हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट, यानी इस प्रकार एक्स वाई की पत्नी है। अब हमको तीनों देखने हैं, स्वतुल संबंध, सममित संबंध और संक्रमक संबंध। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है,
यानी एक्स वाई की पत्नी है, एक्स किसकी पत्नी है, वाई की। हमें स्वतुल्य के लिए ऐसा संबंध दिखाना है स्वयं में संबंध, तो एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स स्वयं अपनी पत्नी नहीं हो सकती, इसे लिख देते हैं एक्स स्वयं अपनी पत्नी नहीं हो सकती। यानी क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स स्वयं अपनी पत्नी नहीं हो सकती, एक स्वाभाविक बात है। यानी एक्स स्वयं क्योंकि वाई की पत्नी है तो अपनी पत्नी नहीं हो सकती, अर्थात एक्स कोमा एक्स ऐसे लिखेंगे नहीं अवयव आर, ठीक है, डज नॉट बिलोंग आर। इस कारण आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं, स्वयं की पत्नी इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। नंबर दो, क्योंकि दूसरी कंडीशन में दिखाना है सममित संबंध, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। यानी क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि वाई पति है, अर्थात एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, परंतु वाई कोमा एक्स इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू आर, तब आर एक सममित सममित संबंध नहीं है। तो आर एक सममित संबंध भी नहीं है, न स्वतुल्य संबंध है न सममित संबंध है, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, यानी एक्स वाई बिलोंग टू आर और वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये सममित संबंध भी नहीं है न स्वतुल्य संबंध है। तीसरा देखते हैं, ठीक है, एक्स क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, यदि वाई जेड की पत्नी है तब, यानी एक्स वाई की पत्नी तो है, यदि वाई जेड की पत्नी है तब एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकती, क्यों कि एक्स तो वाई की पत्नी है तो संक्रमक की कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, यानी
एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर, तब एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। इस कारण आर एक संक्रमक संबंध भी नहीं है, यानी न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमक है। दूसरा सवाल देखो, सवाल नंबर एक था जिसके पांच खंड थे, और पांच में सवाल के भी पांच खंड हैं, जिनमें से जो पांचवें सवाल का जो एक खंड है उसी प्रकार का बी खंड है, ये करा दिया गया, सी करा दिया, और जिस प्रकार डी है उसी प्रकार से ई है, यानी सवाल नंबर एक के पांच खंड हैं, उसमें भी पांचवें खंड के पांच खंड हैं। तो अब सवाल नंबर दो है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमक है। तो इसको लिखेंगे हम नंबर एक, यद क्योंकि, ऐसे लिखते हैं क्योंकि एक बटे दो, एक बटे चार से अधिक है, अधिक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एक ही जगह पर एक बटे दो लें और यहाँ पर इसका वर्ग हो रहा है स्वतुल्य के लिए, तो उसी का वर्ग है, तो वर्ग करेंगे, जोड़ना है जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे। एक एक ही जगह पर एक बटे दो लिया जाए तो बी का मतलब एक बटे दो का वर्ग एक बटे चार, तो एक बटे दो एक बटे चार से अधिक है जबकि यहाँ पर कम है, तो इसलिए इस कारण आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, ठीक। स्वतुल्य का मतलब उसका वर्ग करें और उसी के बराबर आ जाए तो स्वतुल्य होगा, वरना स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि एक बटे दो यानी एक का मान हम एक बटे दो लें और फिर यहाँ पर उसका वर्ग करें तो एक बटे चार आता है, यानी एक बटे दो एक बटे चार से अधिक है, जबकि यहाँ कह रहा है लेस देन इज इक्वल टू, या तो कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन नहीं है, इस कारण से आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। इसके बाद में दूसरी कंडीशन, क्योंकि ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी ए का मान है वो बी स्क्वायर से कम है या उसके बराबर है, तब बी इज लेस देन ए स्क्वायर, ठीक है, तब बीज लेस देन ए स्क्वायर होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, यानी ए का मान जब बी स्क्वायर से छोटा है तो बी का मान ए स्क्वायर से छोटा हो या उसके बराबर हो ये कोई आवश्यक नहीं है, तो ये कंडीशन सममित की भी नहीं है, ठीक है, यानी इस कारण आर एक
इस कारण आर एक सममित, सममित, इस कारण आर एक सममित संबंध नहीं है। यानी ए का मान बी स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर है, तब बी का मान ए स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर होना आवश्यक नहीं है। इस कारण से एक सममित संबंध नहीं है। अब तीसरा दिखाना है कैसे। माना ए बराबर दो, बी बराबर माइनस दो, सी बराबर माइनस एक, तब ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इम्प्लाइज, इसे कैसे लिखेंगे, ए का मतलब दो इज लेस देन बी स्क्वेयर यानी माइनस दो का स्क्वेयर। तो दो का माइनस दो का स्क्वेयर चार, तो दो इज लेस देन इज इक्वल टू चार, दो चार से छोटा है, ठीक। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में दिखाएंगे बी इज लेस देन सी स्क्वेयर, ए बी में, फिर बी और सी में, फिर सी और ए और सी में दिखाएंगे। तो बी का मतलब बी बराबर कितना माने, माइनस का दो, माइनस का दो इज लेस देन इज इक्वल टू सी, सी का मतलब माइनस एक का वर्ग, तो माइनस एक का वर्ग प्लस एक, तो यानी माइनस दो प्लस एक से छोटा है, ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब ए इज लेस देन इज इक्वल टू सी स्क्वेयर इम्प्लाइज, ए का मतलब दो इज लेस देन इज इक्वल टू सी स्क्वेयर यानी माइनस एक का स्क्वेयर, माइनस एक का स्क्वेयर प्लस एक, और ये दो है, दो एक से छोटा नहीं हो सकता। इस कारण आर एक संक्रमक संक्रमक संबंध भी नहीं है, भी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। जांच कीजिए क्या समुच्चय एक दो तीन चार पाँच छः में आर बराबर ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध आर एक स्वतुल सममित या संक्रमक है, ये चीज़ दिखानी है। तो यानी पहले लिख दिया गया कि दिया गया समुच्चय एक दो तीन चार पाँच छः और एक संबंध दे रखा है आर बराबर ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस वन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर को आर बराबर, देखो अगर इसमें से ए का मान एक लिया जाए तो बी का मान कितना आ जाएगा, एक धन एक यानी दो। अब ए का मान दो लिया जाए तो दो धन एक यानी तीन हो गया बी का मान, क्योंकि लिखना तो हमें ऐसे है ए कोमा बी, तो ए कोमा बी, ए कोमा बी, पहला मान ए का है दूसरा मान बी का है। फिर ऐसे लिखेंगे ए का मान तीन लिया जाए तो बी का मान चार, ए का मान चार लिया जाए तो बी का मान पाँच, और ए का मान पाँच लिया जाए तो बी का मान छः, ए का मान छः लिया जाए तो बी का मान सात, यानी एक ज़्यादा होगा। यानी ये दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से एक ज़्यादा होगी, पहले एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें दो से शुरू है दो तीन चार पाँच छः सात, क्योंकि एक ज़्यादा है ए का मान, बी का मान ए से एक ज़्यादा है। अब इसमें मैं दिखाना है नंबर एक, देखो
जांच कीजिए क्या समझते हैं द्वारा परस्पर संबंध शुद्ध संबंध है, यानी एक कोमा दो बिलोंग टू आर, ठीक है, यानी पहले संबंध दिखाते हैं, चलो यानी एक कोमा एक, एक कोमा एक, दो कोमा दो, तीन कोमा तीन, चार कोमा चार, डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी ऐसी कंडीशन रिलेशन आर में कोई भी नहीं है, न एक कोमा एक है, न दो कोमा दो है, न तीन कोमा तीन है, न चार कोमा चार है, न पाँच कोमा पाँच है, न छः कोमा छः, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। इस कारण आर एक स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा दिखाना है सम्मित, सम्मित के लिए कैसे दिखाएंगे, कोई भी एक अवयव उठाएंगे इसमें से, ऐसे एक कोमा दो, एक कोमा दो बिलोंग टू आर, एक कोमा दो इसके अंदर है, परंतु दो कोमा ए इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी एक कोमा दो तो इसके अंदर है लेकिन दो कोमा एक नहीं है, कहीं पर भी दो कोमा एक नहीं है, ठीक है। इस कारण आर एक सममित संबंध नहीं है। तीसरी कंडीशन होती है संक्रमक की, संक्रमक के लिए इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, जैसे दो कोमा तीन, यानी दो कोमा तीन बिलोंग टू आर तथा दो कोमा तीन बिलोंग टू आर तथा तीन कोमा चार बिलोंग टू आर, दो कोमा तीन आर के अंदर है और तीन कोमा चार भी आर के अंदर है, कैसे भी लिख सकते हैं, अथवा ऐसे लिख सकते हैं एक कोमा दो आर के अंदर है, दो कोमा तीन आर के अंदर है, कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, चार कोमा पाँच है या पाँच कोमा छः है, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दो कोमा तीन आर के अंदर है और तीन कोमा चार आर के अंदर है, लेकिन अब इसका संबंध इससे होना चाहिए दो कोमा चार, अब दो कोमा चार इसमें कहीं नहीं है, दो कोमा चार यानी दो कोमा तीन है, दो कोमा चार नहीं है, परंतु दो कोमा चार इसे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू आर, दो कोमा चार के आर के अंदर नहीं है, इस कारण आर एक संक्रमक संबंध भी नहीं है। अब अगला सवाल देखेंगे, चौथा सवाल और मोना, अब चौथा सवाल देखेंगे इसके बाद में, यानी आर इसमें से कोई भी संबंध नहीं है, न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रमक है, ना इसके बाद अगला सवाल है नंबर चार, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी एज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संक्रमक है परंतु सम्मित नहीं है।
देखो तो आर इजिकल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इजिकल टू बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यानी माना ए बराबर एक तब एक इज लेस देन इज इक्वल टू एक, एक इज लेस देन इज इक्वल टू एक यानी एक एक के या तो कम है या इसके बराबर है। अर्थात ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, ए एक के अंदर बिलोंग कर रहा है यानी एक एक के बराबर है। ऐसे हम दो भी लिख सकते हैं, तो दो इज लेस देन इजिकल टू दो, तीन भी लिख सकते हैं, तीन इज लेस देन इजिकल टू तीन। तो ये कंडीशन स्वतुल्य की अप्लाई हो रही है, एक स्वतुल्य संबंध है। इस कारण आर एक आर एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य तो है, अच्छा सर। इसके बाद में सम्मित संबंध, ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी तब यानी ऐसे लिख सकते हैं यानी ए यानी तब ए बी से छोटा छोटा या उसके बराबर है तब बी ए तब बी ए से छोटा या उसके बराबर, तब भी ए से छोटा या उसके बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी तब यानी ए बी से छोटा या उसके बराबर है, तब बी ए से छोटा या उसके बराबर नहीं हो सकता। इस कारण आर एक संक्रमक संबंध नहीं है, आर एक संक्रमक संबंध नहीं है। नंबर तीन, ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी तथा बी इज लेस देन इज इक्वल टू सी तब ए इज लेस देन इज इक्वल टू सी होना आवश्यक नहीं है, मुतकल हो सकता है। यानी एज लेस देन बी है और बी इज लेस देन सी है, तो एज लेस देन सी ठीक है। तो सिद्ध प्रवाह संबंध आर एक स्वतुल्य तथा संक्रमक है, सम्मित नहीं है। तो ए बी से छोटा है और बी सी से, तो ए सी से छोटा अर्थात ए बी बिलोंग टू आर
बी सी बिलोंग टू आर, तब ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, इस कारण आर एक संक्रमक संबंध है। ठीक है मानो इस तरीके से दे रखा है आर बराबर ए बी सच दैट एज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको दिखाएंगे स्वतुल्य, यानी नंबर एक पहली कंडीशन में माना ए बराबर एक बटे दो, तो ए का मान एक बटे दो लेंगे तो b, यानी एक बटे दो है तो b की जब एक बटे दो ही लगाएंगे स्वतुल्य के लिए, तो एक बटे दो का क्यों एक बटे आठ, तो एक बटे दो एक बटे आठ से ज़्यादा है, यानी ये लिखा है अधिक है, और यहाँ पे कह रहा है कम है, तो यहाँ पे कह रहा है अधिक है, इस कारण ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन देखेंगे, a इज लेस देन बी क्यू है तो b इज लेस देन ए क्यू, यानी a का मान bq से छोटा है, तब b का मान aq से छोटा होना, तो a लेस देन bq तब b लेस देन aq का होना आवश्यक नहीं है, ऐसी यानी इसका मान जब इससे छोटा है, a का मान bq से छोटा है तो b का मान aq से छोटा होना आवश्यक नहीं है, तो इस कारण r एक सममित संबंध नहीं है। अब तीसरी कंडीशन है a लेस देन bq, और तीसरी और संख्या ले लें हम, यानी b इज लेस देन cq, a का मान bq से छोटा है और b का मान cq से छोटा है, तब a का मान cq से a इज लेस देन cq होना आवश्यक नहीं, इससे ये छोटा होना ये कोई ज़रूरी नहीं है भी, आवश्यक नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात a कॉमा बी बिलोंग टू आर तथा b कॉमा सी बिलोंग टू आर, तब a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, इस कारण अब इस कारण ये एक संक्रमक संबंध भी नहीं है, तीनों कंडीशन है, न संक्रमक है न स्वतुल्य है न सममित है। ठीक है,